नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित। जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव का तारीखों का ऐलान हो गया है। 27 अक्टूबर को इसका मतदान होना है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ बात करने के लिए है मंत्री पद के दावेदार वरुण कुमार सिंह जी। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका इस चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि जिला अधिवक्ता संघ में मंत्री और अध्यक्ष दोनों मिलकर ही काम करते हैं, अगर आप मंत्री चुन लिया जाते हैं तो आपका क्या प्लान रहेगा? जिला अधिवक्ता संघ के सबसे प्रमुख पद अध्यक्ष होते हैं और मैं मंत्री पद का दावेदार हूँ। और पिछली बार कुछ मतों से रह गया था और पूर्व में 2013 में संयुक्त मंत्री भी यहाँ बना था मैं। निश्चित तौर पे मंत्री का दायित्व तो बहुत बड़ा दायित्व होता है, एक महत्वपूर्ण पद है। और अध्यक्ष जी के साथ मिलकर और कार्यकारिणी के साथ मिलकर प्रमुख प्राथमिकताएँ हैं जो हमारी हैं उसको पूर्ण करने का प्रयास करूँगा, जिसमें सर्वप्रथम तो है कि हमारे जिला अधिवक्ता संघ में पेयजल की बहुत बड़ी विकराल समस्या हो गई है। अगर हमारे चाय की दुकानें कैंटीन वगैरह बंद हो जाती हैं तो जिला अधिवक्ता संघ के अधिवक्ताओं को पानी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो पहला तो मेरा सर्वप्रथम प्रयास है कि बृहद एक योजना के तहत एक यहाँ फुल या तो पानी की टंकी बनवाकर या जैसे भी जो व्यवस्था शासन प्रशासन सरकार से मिलकर निश्चित तौर पर एक ऐसी व्यवस्था करूँगा कि हमारे जिला अधिवक्ता संघ के सभी साथियों को शुद्ध पेयजल जरूर मिल सके, पहली प्राथमिकता हमारी है। बेतरतीब खड़ी गाड़ियां हमारे स्टैंड की बहुत बड़ी यहाँ मतलब संकट है, उसको भी प्रशासन से मिलकर एक उचित व्यवस्था, हालांकि हमको पहले से भी एक स्टैंड के लिए जगह मिली है लेकिन वहाँ पे सिर्फ फोर व्हीलर खड़ी होती है। दो पहिया हमारे यहाँ अंदर आज कोई आकस्मिक घटना हो जाए तो निश्चित तौर पे हम अधिवक्ता साथियों को बाहर लेकर निकलने में एक इतनी विकराल समस्या आ जाती है। कई इसमें ऐसी घटनाएं हुई कि हम उससे यहाँ हमारे अधिवक्ता साथी जान तक गंवानी पड़ी है। तो एक साइकिल स्टैंड जो मोटरसाइकिल स्टैंड की एक बृहद रूप देकर उसको भी समस्या का निजात दिलाएंगे। और मेरी एक प्रमुख है हमारे जिला अधिवक्ता संघ में कि जो भी सहायता हमारा जिला अधिवक्ता संघ पीड़ित अधिवक्ताओं को देता है उसमें भी हमने कुछ विचार रख कर रखे हैं जी, और उसको भी मैं उसका निवारण करूंगा। सर, जैसे कि आपने पार्किंग की बात की है तो मल्टी लेवल पार्किंग पे आपकी क्या राय है? मल्टी लेवल पार्किंग पे हमारी राय यही है कि हमें जो यही अपने एसएसपी ऑफिस के थोड़ा सा अगल बगल पीडब्ल्यू के बगल में हमको एक अच्छी जगह मिली हुई है सरकार द्वारा, तो निश्चित तौर पर चूंकि जो मल्टी लेवल पार्किंग इतना बड़ा बजट है कि जिला अधिवक्ता संघ हमारा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो सरकार से और सरकार के नुमाइंदों से बात करके मल्टी लेवल पार्किंग की एक ऐसी व्यवस्था करेंगे कि हमको इस समस्या से निदान मिल जाएगा। तो सर, जैसे कि अभी आपने अधिवक्ताओं के फंड के लिए बात की है तो अभी आकस्मिक घटना अगर घट जाती है अधिवक्ताओं के साथ तो जिला अधिवक्ता संघ क्या फंड देता है और क्या होना चाहिए? हमारा जिला अधिवक्ता संघ गंभीर बीमारी से पीड़ित अधिवक्ताओं को मैक्सिमम 25,000 रुपए देती है और मृतक अधिवक्ता के परिवारजनों के आश्रितों को 50,000 रुपए देने काम करती है। जो मैंने पूर्व में आपसे कहा कि मेरी योजना ये है कि गंभीर बीमारी से ग्रसित अधिवक्ताओं को 1,00,000 रुपए और मृतक उनके आश्रितों को 2,00,000 रुपए उनके परिवारजनों को, जिसमें से मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि जो अधिवक्ता 45 साल से कम उम्र के अगर हमको छोड़ के जाते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि अधिवक्ता वन मैन फैक्ट्री होता है, जैसे वो इस दुनिया को छोड़ जाता है तो उसके परिवार बिखर जाता है, तो अगर 45 साल के अधिवक्ता की अगर निधन होता है, ईश्वर से प्रार्थना है कि कभी उनको कोई छोड़ के न जाए लेकिन दुर्भाग्यवश, तो उसके लिए 5,00,000 रुपए देने का काम करूंगा। इसको मैं एक बहुत प्रमुख रूप से इस योजना को लागू करने का प्रयास करूंगा। तो सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि कचहरी में एक अस्पताल भी होना चाहिए जिससे अधिवक्ता और उसका जो परिवार है उसका ठीक से इलाज हो सके? आपने जो कहा कचहरी परिसर में तो स्थान तो नहीं है जो अस्पताल बन सके, लेकिन एक डॉक्टर हमारे बेली अस्पताल के और एक रूम है जिसमें बैठते हैं, जिसमें वादकारी भी अधिवक्ता भी कोई भी मतलब जो है 1 रुपए पर्ची कटा के उनको विधिवत इलाज करने और उनको दवाई देने काम किया जाता है। हाँ, ये जरूर है कि एक इच्छा है कि एक रूम कहीं व्यवस्था करें कम से कम 2 बेड डलवाए, जैसे आकस्मिक मतलब जैसे इमरजेंसी में उनके मतलब जो ट्रीटमेंट दिया जा सके। और चूंकि अस्पताल तो नहीं बनाया जा सकता है, कैंपस में जगह नहीं है, लेकिन ये जरूर व्यवस्था करने का प्रयास रहेगा कि 1, 2, 3, 4 प्रमुख अस्पताल जो जिले कैसे हों जहां अगर हमारे अधिवक्ता साथी वहां एडमिट होते हैं तो उनको जिला अधिवक्ता संघ और कुछ फंडिंग और कहीं से करके मुफ्त इलाज कराए जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो सर, जैसे कि आपने मुद्दा बताया था कि शुद्ध पेयजल का और पार्किंग का, तो इसके अलावा और एक दो अहम मुद्दा है जैसे कि साफ सफाई का, गंदगी का और एक
महिला अधिवक्ताओं के लिए यहाँ पे सेपरेट टॉयलेट बनी है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? साफ सफाई स्वच्छ भारत अभियान वैसे भी मतलब पूरे देश में हमारे चल रहा है, लोग जागरूक हुए हैं और हमारा जिला अधिवक्ता संघ के अधिवक्ताओं ने उस पर काफी विशेष ध्यान दिया है। देखिए कैंपस है, तमाम तरह की विसंगतियां आती रहती हैं, लेकिन स्वच्छता के लिए नगर निगम से और जो शासन से मिलकर एक ऐसी व्यवस्था कराएंगे कि हमेशा परमानेंट यहाँ स्वच्छता बनी रहे, उस पर भी कार्य किया जाएगा। और आपने निश्चित तौर पर कहा, एक जो है पूरे देश में पिंक टॉयलेट की व्यवस्था चल रही है, तो जिला कचहरी में हमारे पिंक टॉयलेट बनेगा, इस बात को मतलब आपसे मैं वादा भी कर रहा हूँ आपके माध्यम से, अपने अधिवक्ता संघ से, अपने अधिवक्ताओं से। सर, अधिवक्ता इतने बुद्धिजीवी होते हैं, फिर भी हापुड़ जैसी घटना घट जाती है, तो बताइए संयम कितना जरूरी है? देखिए संयम की जहाँ तक बात है, देखिए कभी भी मेरा मानना है कि अभी लड़ाई झगड़ा मजाक हंसी मजाक कभी नाप तौल के नहीं होता है। और निश्चित तौर पे हमारा अधिवक्ता साथी, देखिए जो मैंने पाया कि फालतू किसी से लड़ना नहीं चाहता, न उलझना चाहता है, लेकिन जो समाज की लड़ाई पूरे जीवन लड़ रहा हो, तो जब उसके खिलाफ कोई लड़ता है तो निश्चित तौर पर हमारा अधिवक्ता साथी भी जरूरत पड़ने पर अपने स्वभाव में परिवर्तन लाता है। और हापुड़ जैसी घटनाओं के तो मैं टोटल जो जिम्मेदार शासन और प्रशासन दूंगा, पुलिस कर्मियों को दूंगा, क्योंकि महिलाओं तक उन्होंने जो अपने चैम्बर में बैठी थी, अपना काम कर रही थी, उनके साथ भी उन्होंने दुर्व्यवहार करने काम किया, तो निश्चित तौर पर हापुड़ जैसी घटनाएं होना नहीं चाहिए। लेकिन अधिवक्ता जब समाज के लड़ता है, तो जब उसके ऊपर आएगा तो हर स्तर की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेगा। तो सर, कचहरी में अक्सर हड़ताल रहती है, तो क्या इससे वादी प्रतिवादी प्रभावित नहीं होते? कचहरी में अक्सर तो नहीं, तो हमारे काफी सुधार हुआ है, लेकिन निश्चित तौर पे जब हमारे सम्मान की लड़ाई आती है तो जिला अधिवक्ता संघ उसको लड़ता है। और एक जनरल बॉडी होती है, हमारे यहाँ जनरल हाउस बुलाया जाता है, तो जनरल हाउस यानी आम अधिवक्ता की राय, उससे बड़ी राय कोई नहीं, जनरल हाउस बड़ा हमारे यहाँ न अध्यक्ष है न मंत्री है, तो जब जनरल हाउस में सामूहिक रूप से कोई निर्णय लिया जाता है तो उसको पालन करना जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी और जिला अधिवक्ता संघ के हर सदस्य, हर अधिवक्ता का कर्तव्य बनता है। और देखिए लड़ाइयाँ जो हड़ताल से निश्चित तौर पर नुकसान सबका होता है, वादकारी भी होता है, हम अधिवक्ताओं भी होता है। हम सुबह शायद एक यही ऐसा वर्ग है अधिवक्ता कि जो घर से अपने चल के स्वयं अपनी दुकान के यहाँ बंद करता है, लेकिन जब लड़ाई सम्मान की होती है तो उस समय न अर्थ देखा जाता है और न उस समय कुछ और देखा जाता है, सिर्फ अपनी समस्या को निदान के लिए हर स्तर की लड़ाई लड़ने के लिए हम स्ट्राइक करते हैं। और जब हमको शासन प्रशासन या सरकार द्वारा प्रताड़ित किए जाने के, हमारे अधिवक्ता साथियों प्रताड़ित करने का जब काम किया जाता है, तो हम अपनी बात पहुंचाने के लिए, उस समाज में अपने आप को स्थापित करने के लिए वादकारियों को हित देखते हुए हम आजकल प्रयास करते हैं, देर बजे के बाद ही करते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जब हमारे मान सम्मान की लड़ाई आएगी तो हम हड़ताल ही नहीं और भी अगर इससे लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो उसको भी हम लड़ेंगे। तो सर आप बताइए, अध्यक्ष पद पे आप किसको देखना चाहते हैं, शीतला जी, केबी जी या फिर रज्जू जी को? देखिए मेरे लिए सभी प्रत्याशी समान हैं निश्चित तौर पे, और मैं तो चाहूंगा मुझे एक अच्छा अध्यक्ष मिले और उनके साथ मिलके मैं अच्छा काम कर सकूं। और निश्चित तौर पे हमारे जिला अधिवक्ता संघ में इसके पूर्व भी बहुत अच्छे अच्छे अध्यक्ष रहे हैं और भविष्य में भी मुझको भी अच्छा अध्यक्ष मिलेगा, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना भी है। तो अंत में यही सवाल रहेगा, आप अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अधिवक्ताओं से अपील करना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे 21 साल की वकालत में मेरे अधिवक्ता साथियों, 21 साल की वकालत में मैं किसी भी अधिवक्ता के साथ के खिलाफ वकालत नहीं किया हूं और न कभी भविष्य में करूंगा, इस प्रतिज्ञा के साथ जिला कचहरी में प्रवेश किया हूं। और उनके मान और सम्मान की जब भी लड़ाई का मौका मिला है, उनके सुख दुख न दिन देखा हूं, न रात देखा, न जात देखा, न पात देखा, न क्षेत्र क्षेत्र देखा हूं, सदैव उनके लिए खड़ा रहा हूं और सदैव खड़ा होता रहूंगा। और उनके सम्मान की जब लड़ाई होगी तो मैं हम खुले मन से भी कहता हूं और आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं, जरूरत पड़ने पर चाहे सरकार हो चाहे शासन प्रशासन, उनके साथ दो दो हाथ भी करना पड़ेगा तो आपका ये साथी उनके साथ निश्चित तौर पे लड़ाई लड़ेगा, आपके साथ अधिवक्ता साथियों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेगा और उनके सम्मान की रक्षा करने के लिए जिस स्तर पर मुझे उतरना पड़ेगा मंत्री रहते हुए, उस स्तर पर उतरने का काम करूंगा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी हमारे साथ जिला अधिवक्ता संघ चुनाव में मंत्री पद के लिए दावेदार है वरुण कुमार सिंह जी, वो थे, उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने अपने मुद्दे रखे, जैसे कि पार्किंग का मुद्दा था, सफाई का मुद्दा था, फिर शुद्ध पेयजल का भी मुद्दा था और महिलाओं के लिए जो सेपरेट टॉयलेट है उसके लिए भी मुद्दा था। तो उन्होंने हमसे वादा किया है कि अगर वो मंत्री चुने जाते हैं तो महिलाओं के लिए वो जरूर सोचेंगे, उनके लिए सेपरेट बाथरूम होगा। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि वो अपने अधिवक्ता और भाइयों के लिए हमेशा कंधे से कंधा मिला के चलते रहेंगे अगर वो मंत्री पद के लिए चुने जाते हैं। तो ऐसे वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारा एमटी टॉक से फॉलो करते रहिए। मैं सुशील वीडियो में सुबह शर्मा के साथ।